स्टूडेंट्स, हम क्लास थर्ड साइंस चैप्टर टू पार्ट्स ऑफ प्लांट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में बताया था। प्लांट्स के टू मेन पार्ट्स होते हैं, रूट और शूट। जो रूट पार्ट होता है वो अंडर द ग्राउंड वाला पार्ट होता है, यानी जमीन के अंदर वाला पार्ट होता है, जबकि शूट अबव द ग्राउंड यानी ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है। रूट टू प्रकार की होती है, टेप रूट और फाइबर रूट। रूट के फंक्शन भी आपको बताए थे, स्टेम बताया था, स्टेम सूट वाला पार्ट होता है, लीफ के फंक्शन भी आपको बता चुके हैं। नाउ वी स्टार्ट फ्लोवर। द फ्लोवर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। फ्लोवर प्लांट का सबसे सुंदर अट्रैक्टिव पार्ट होता है। फ्लोवर्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स ऑन द स्टेम्स। फ्लोवर ग्रो करते हैं स्टेम के ऊपर जो छोटी बर्ड होती है उससे। दे डिफर ग्रेटली इन कलर्स शेप एंड साइज। कलर में, शेप में और साइज में अलग अलग होते हैं। द ग्रीन पार्ट दैट इनक्लोज द फ्लोवर इन द बड, जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लोवर का वो बड में बंद होता है, इज कॉल्ड सेपल, जिसे सेपल कहते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द फ्लोवर। यह फ्लोवर को प्रोटेक्शन देता है यानी सुरक्षा प्रदान करता है। सम फ्लोवर्स ग्रो इन टू फ्रूट्स। कुछ फ्लोवर्स फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ द फ्लोवर। फ्लोवर के कार्य। इट डेवलप्स इनटू अ फ्रूट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। अधिकतर पौधों में यह फ्रूट्स में डेवलप हो जाता है। इट मेक्स द प्लांट लुक ब्यूटीफुल। यह पौधे को सुंदर बनाता है। इट्स ब्राइट कलर, स्वीट स्मेल एंड नेक्टर अट्रैक्ट्स बर्ड्स, सीड्स एंड इंसेक्ट्स। फूलों का ब्राइट कलर, स्वीट स्मेल और जो फूलों का रस होता है वो इंसेक्ट, बीज और बर्ड्स को आकर्षित करता है। इट हेल्प्स अ प्लांट टू रिप्रोड्यूस। ये प्लांट के रिप्रोड्यूस में मदद करता है। ओके, फ्रूट। फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम। फ्रूट्स अपने अंदर सीड यानी बीज रखते हैं। सम फ्रूट्स हैव वन सीड्स। कुछ फलों में एक सीड होता है। सम हैव फ्यू सीड्स। कुछ में थोड़े से सीड्स होते हैं। वाइल अदर्स हैव मैनी, जबकि दूसरों में अन्य बहुत सारे बीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल कंटेन्स अ फ्यू स्मॉल बर्ड्स। एप्पल में कुछ छोटे बीज होते हैं। वाइल अ मैंगो कंटेन्स अ सिंगल लार्ज सीड, जबकि मैंगो में एक बड़ा सिंगल सीड होता है। पोमग्रेनेट हैज मैनी स्मॉल सीड्स, जबकि अनार में बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं। फंक्शन ऑफ द फ्रूट। फ्रूट के कार्य। ए फ्रूट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सीड। फ्रूट का मेन फंक्शन होता है सीड्स को प्रोटेक्ट करना। फ्रूट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स सच एज ऑरेंज, मैंगो एंड एप्पल आर ईटन बाय अस। अधिकतर पौधों के फल जैसे ऑरेंज, मैंगो, एप्पल हमारे द्वारा खाए जाते हैं। सीड बीज। ए सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट इन साइड इट। एक सीड अपने अंदर बेबी प्लांट को रखता है। वेन द सीड्स गेट्स इनफ एयर, वाटर एंड वार्म, द बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग। जब एक सीड को पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी और गर्मी मिलती है तो बेबी प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है। इट ग्रोस टिल इट इज अ फुली ग्रोन प्लांट। यह तब तक ग्रो करता है जब तक एक पूर्ण विकसित पौधा नहीं बन जाता। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक सीड से न्यू प्लांट के डेवलपमेंट होने की जो प्रोसेस होती है उसे जर्मिनेशन यानी अंकुरण कहते हैं। फंक्शन ऑफ द सीड। सीड के फंक्शन। सीड्स फॉर न्यू प्लांट्स। सीड न्यू प्लांट्स बनाते हैं। मेनी सीड्स आर ईटन एज फूड। बहुत सारे बीज भोजन के रूप में खाए जाते हैं। सम सीड्स लाइक दोज ऑफ मस्टर्ड प्लांट और सनफ्लावर प्लांट आर प्रोसेसेस टू ऑब्टेन ऑयल। कुछ सीड जैसे मस्टर्ड प्लांट के और सनफ्लावर के सीड से तेल को ऑब्टेन किया जाता है। सम सीड्स आर यूज इन द किचन टू फ्लेवर फूड। कुछ सीडों का यूज किचन में भोजन का फ्लेवर बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्यूमिन एंड फेन्यूग्रीक आर इट्स एग्जाम्पल। जीरा और मेथी इसके उदाहरण हैं। काइंड्स ऑफ सीड्स। सीड्स के प्रकार। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सीड्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कोटिलीडोन्स। दो प्रकार के सीड्स होते हैं उनमें कोटिलीडोन के आधार पर। मोनोकोट्स
सीड्स और डायकोट सीड्स। मोनोकोट सीड्स कंटेन ओनली अ सिंगल कोटिलीडोन इनसाइड देम। जो कोटिलीड सीड्स होते हैं वे अपने अंदर एक सिंगल कोटिलीडोन रखते हैं। सच एज सीड्स ऑफ कॉर्न, व्हीट एंड राइस। इस प्रकार के सीड्स हैं कॉर्न, व्हीट और राइस। दीज सीड्स यूजुअली प्रोड्यूस प्लांट्स विथ लॉन्ग एंड नैरो लीव्स। इस सीड से जो अधिकतर जो पौधे प्रोड्यूस होते हैं वो लॉन्ग और नैरो लीव्स के होते हैं। डायकोट सीड्स कंटेन टू कोटिलीडोन्स इन साइड देम। जो डायकोट सीड होते हैं वे अपने अंदर दो कोटिलीडोन रखते हैं। सच ए सीड्स ऑफ बीन, पी एंड पल्सेस। इस प्रकार के सीड्स हैं बीन, पी और पल्सेस। दी सीड्स प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ लीव्स। इस प्रकार के सीड्स से जो पौधे प्रोड्यूस होते हैं उनमें डिफरेंट शेप और साइज की लीव्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आप इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिए। ओके।